हम और आप रमजानुल मुबारक के उस आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं और रमजान की बरकतें, रहमतें और उसकी कीमती सातों के दरमियान हम अपनी ज़िंदगी के कीमती इन अय्याम की सांसें ले रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमा जब रमज़ान का आता है तो उसे हम जुमातुल वदा भी कहते हैं और ये जुमातुल वदा आखिर में आखिरी रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। हर जुमा अजमत वाला है, हर दिन अजमत वाली है, हर रात अजमत वाली है, हर दिन अजमत वाले हैं। रमज़ान की हर सात, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे लिए कीमती है, रहमत भरा है और मौला की छमा छम रहमतें बरस रही है। ये सातें कोई सात ऐसी नहीं है जिसे हम अदना सात कह सकें, लेकिन अब चूंकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा है इस हैसियत से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और ये रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है, अलविदा कह रहा है हमें। जब कीमती साथ हमारी ज़िंदगी से चली जाए तो उस पर सदमा होता है, उस पर अफसोस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक की ये जो कीमती साहतें अता फरमाई हैं ये बंदों की राहत के लिए है, मगफिरत के लिए है, गुफरान के लिए है, नजात के लिए है, रहमत के लिए है। ये साथ का रुखसत होना, हमारी ज़िंदगी से ये कीमती लम्हात का अलविदा कहना, जाना, रुखसत होना, यकीनन जहाँ एक तरफ गम का मामला है कि ये रहमत वाली साथ ये घड़ियाँ हमसे रुखसत हो रही है, एक तरफ गम है कि हर आन हमारे लिए बख्शिश है, हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना, हमारा अपने बिस्तर से बेदार होना, ये सब इबादतों में दाखिल है। आज जब एक रोजेदार अपने बिस्तर से करबटे बदलता है तो वो फर्श जिस मकाम पर वो आराम फरमा होता है, वो बिछौना जिस जगह वो सो रहा होता है, वो बिछौना भी रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करता है। आप जिस मकाम पर सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, आराम करते हैं, वो फर्श, वो जमीन, वो बिछौना भी आपके लिए रमजानुल मुबारक में एक रोजेदार के लिए दुआए मगफिरत करता है कि मौला तबारक व ताला इस रोजेदार की मगफिरत फरमा दे, परवरदिगार इनके गुनाहों को माफ फरमा दे, ये रोजे की हालत में है। तो एक रोजेदार का सोना भी इबादत, बैठना भी इबादत, उठना भी इबादत, जागना भी इबादत, चलना भी इबादत। हद ये है कि सोना भी इबादत में है, आप सोए पड़े हैं तो भी इबादत में आप दाखिल है आपका, कि आप रोजे के आलम में। तो बताओ ये कीमती, कितने कीमती लम्हात हैं कि ये लम्हा ऐसा है कि आप नफल पढ़ रहे हो तो अल्लाह फर्ज का सवाब दे रहा है, और फर्ज पढ़ रहे हो आप तो अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमा रहा है। इतना बड़ा कीमती, ये कितने कीमती लम्हात हैं। आप कोई नेकी करे तो 70 गुना मिलता है,
नमाज पढ़े तो 70 गुना अजर मिल रहा है। और इस माह मुकद्दस में एक रात ऐसी भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रात की इबादत को रब तबारक व ताला ने हजारों महीनों की इबादत से अफजल करार दे दिया है। ये रमजान का कितना बाबरकत महीना, कितनी बाबरकत घड़ियां हैं, कितनी बाबरकत साते हैं कि रब तबारक व ताला ने इस घड़ी को हमारे लिए रमजान में अता फरमाया। ताक रातों में ढूंढो लैलतुल कद्र को ताक रातों में ढूंढो फरमाया गया और बंदों से मख्फी रखा गया, पोशीदा रखा गया, छुपाया गया, ताकि ये तेरे बंदे जो तेरे चाहने वाले हैं, तेरी कुर्बत के तालिब हैं, मौला तबारक व ताला ने इससे मख्फी रखकर इन्हें ढूंढने, तलाश करने और इसमें जुस्तजू करने का हुक्म अता फरमा दिया, ताकि ये रात तुम्हें मिल जाए। और ये ऐसी मुकद्दस और मुबारक रात आने वाली है कि मौला तबारक व ताला तुम्हें उस रात में इबादत का सवाब, उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि 83 साल 4 महीने, अल्लाहु अकबर, ये बोलने को बहुत आसान है, 83 साल 83 ईयर्स 4 मंथ 83 साल 4 महीने ये बनते हैं लैलतुल कद्र में। अगर आप एक रात जाग जाएं, रब को मनाएं, इबादत करें, रब की रजा तलब करें, सजदे में सर रखें, आंसू बहाएं, इखलास लिल्लाहियत ईमान के तालिब बनकर आप रब को मनाएंगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरे नबी ने वादा फरमाया है कि जिसे लैलतुल कद्र की रात मिल गई है, तोहफा मिल गया, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके 83 साल की इबादत से बेहतर है कि इस रात में कोई इबादत कर ले। हर रात की इबादत अपनी जगह मुसल्लम है, हर घड़ी की इबादत अपनी जगह मुसल्लम है, हर नमाज अपनी जगह एक अहमियत रखता है, हर रोजा अहमियत रखता है, लेकिन मौला ताला ने अपने बंदों की मगफिरत के लिए जो हमें रातें अता फरमाई हैं, इसमें बड़ी हिकमतें हैं भाई। मकबूलीन के लिए, अल्लाह के महबूबीन के लिए तो हर रात है, वो बिस्तर से करवटें बदल कर उठ जाते हैं पहलू तही होकर, और रात में वो तहज्जुद पढ़ते हैं, मौला को मनाते हैं, उठते हैं, परवरदिगार की रजा तलब करते हैं, तो हर रात महबूबीन के लिए मकबूलीन है, हर रात अपने महबूब बंदों के लिए वो रात मकबूल रखा है, अल्लाह महबूब पसंद फरमाता है उसकी इबादत को। लेकिन हम गुनहगार बंदे भी तो है ना, मौला के सब बंदे एक तरफ नहीं, एक तरह नहीं, एक बंदे वो हैं जो हर रात मौला को मनाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में उठकर आंसू बहाते हैं और ईमान की हालत में इखलास के साथ रब के हुजूर हाजिर होकर अपनी आंखों से आंसू बहाकर रब को राजी करते हैं, तो हर रात का मामला है। लेकिन मौला ताला ने अपने गुनहगार बंदों के लिए ये खास रातें भी अता फरमाई हैं, वो रात लैलतुल कद्र जैसी रात है। ये फरमाया कि इस रात में आकर आप इबादत कर लो तो ये इबादत एक रात में करना 83 साल अल्लाहु अकबर 4 महीने की इबादत के बराबर सवाब मिल जाता है। हम गाफिल हैं, रमजान का मुकद्दस महीना रुखसत हो रहा है। हदीस पाक में आता है कि हमारी मुसीबत को देखकर जमीन भी रोती है, आसमान भी रोते हैं, फरिश्ते भी रोते हैं, मलाइका आंसू बहाते हैं, जमीन भी रोती है, आसमान भी रोते हैं, समंदर में मछलियां रोती हैं, बंदा आंसू बहाता है, फरिश्ते आंसू बहाते हैं बंदे की मुसीबत को याद करके। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौन सी मुसीबत, आखिर हमारी ऐसी क्या मुसीबत है कि जिसको देखकर जमीन रोए, जिसको याद करके आसमान आंसू बहाए, जिसको देखकर फरिश्ते भी आंसू बहाए, गमगीन हो, आखिर वो कौन सी मुसीबत है। सहाबा ने अर्ज किया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशाद फरमाया कि रमजानुल मुबारक का हमारे उम्मत से रुखसत होना,
रमजान का अलविदा कहना, रमजान के आखिरी रात आना, रमजान का रुखसत हो जाना, रमजान की ये कीमती घड़ी रमजान का हमसे निकल जाना, चले जाना, अल्लाहु अकबर, इसे देखकर फरिश्ते भी आंसू बहाए, जमीन भी आंसू बहाए, आसमान भी आंसू बहाए, हमारी मुसीबत को याद करके कि हमारे उम्मतियों से ये रमजान का कीमती महीना हमसे रुखसत हो रहा है, जमीन आंसू बहा रही है, आसमान रो रहा है, तो क्या हमें भी रोना आता है? भाई हमारी मुसीबत को देखकर तो जमीन रोए, आसमान रोए, शजर रोए, हजर रोए, लाल रोए, कलम रोए, हर बोछे रोए, फरिश्ते मलाइका रोए, हमारे बंदों से ये कीमती महीना रुखसत हो रहा है, जहां हर घड़ी रहमत थी, मगफिरत थी, हर साथ हमारे लिए बख्शिश का सामान है, गुफरान की सामान है, रब की अता है, फजल है, करम है, इनाम है, लेकिन ये महीना जब हमसे रुखसत हो रहा है तो हमें रोना आता है? हमारी मुसीबत को देखकर कायनात रोती है, लेकिन क्या हमें भी रोना आता है? ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, गौर की बात है, आज दुनिया परेशान है, इज़्तिराम में है, गली गली से मैयतें निकल रही है, मौत सर पर मंडला रहा है, कोई नहीं जानता कि कौन कब जाएगा, किसी लम्हे की खबर नहीं है, बवा है, बला है, आफत है, मुसीबत है, हमारे गुनाहों की सजा है, बलाएं हैं जो हर तरफ मंडला रही हैं। सरकार गौसे पाक का एक कौल मुझे याद आता है, सरकार फरमाते हैं कि इंसान खुशी मना रहा होता है, बंगले बना रहा होता है, हम बंगले बना रहे होते, गाड़ियां खरीद रहे होते, हमें पता नहीं होता कि मौत हमारे सर पर मंडला रही होती है, बंजा नाच रहा होता है, गा रहा होता है, रक्स कर रहा होता है, खुशियों में होता है, पता नहीं मौत मंडला रही है, अल्लाहु अकबर, मौत आती है, इंसान के रूह को कब्ज करके चली जाती है, लम्हे की खबर नहीं है। आज जरूरत है कि हम जायजा लें अपने आमाल का, रमजान की ये घड़ियां हमसे रुखसत हो रही है, हमारी मुसीबत को देखकर जमीन आसमान शजर हजर फरिश्ते मलाइक सब रो रहे हैं, लेकिन क्या हमें भी रोना आता है? हमें भी रोना है नहीं है? आंसू बहाना चाहिए या नहीं चाहिए? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, एक तरफ रमजान के जाने का गम है तो दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो अल्लाह को जिसने राजी किया वही का तोहफा जब मिलता है तो वो भी इनाम की खुशी होती है, इनाम होता है अल्लाह का, रोजेदार पर इनाम होता है, इकराम होता है, फजल होता है, करम होता है, रहमतें होती हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, रमजान की कदर करो, ये बड़ी कीमती साथ है, हमारा दोस्त हमसे रुखसत होता है, अजीज रुखसत होता है, हमारी आंखें नम हो जाती है, क्यों? हमारा अजीज हमसे रुखसत हो रहा है, जा रहा है, हमसे अलविदा कह रहा है, जब हमारा दोस्त, हमारा चाहने वाला, हमारा अजीज, हमारे रिश्तेदार कहीं दूर हमसे चले जाते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं, वो हमसे रुखसत होता है, हमें अफसोस होता है, हमारे दोस्त, हमारे अजीज ने हमें क्या दिया, वो दे भी क्या सकते हैं, लेकिन उनके जाने की फुरकत और गम ने हमें, हमारे आंखों को अश्कबार कर दिया। ये रमजान तो हमें सब कुछ दिया है, हमारे गुनाहों को धो दिया, हमारे कल्ब को आईना बना दिया, हमारी मगफिरत कर दी, बंदे को पाक कर दिया, साफ कर दिया, उनके जाहिर और बातिन को आईना बना दिया। ये रोजा हमारे लिए रहमत बनकर आया है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, कदर करो रमजान की।